नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज चैनल के लीगल फोरम कार्यक्रम में। आज लीगल फोरम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम विशेष एडवोकेट्स यानी वकीलों को यहां पर बुलाते हैं और कायदे में जो प्रोविजन है, उसके प्रावधान है अलग अलग किस्म के, तो उनके बारे में उनसे चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही एक बड़े ही ज़बरदस्त वकील साहब हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, एडवोकेट अनिल नायक साहब। तो स्वागत करता हूँ सर दिव्यांग न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में आपका। अनिल जी की मैं बात करूँ तो अनिल जी, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो क्लेम होता है उसके बड़े ही निष्णात व्यक्ति हैं और सूरत में बहुत बड़ा नाम है उनका और बहुत सही तरीके से वो केस लड़ते हैं और बड़ा ही न्यायी तरीके से वो काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो सर आपका एक परिचय चाहूँगा कि आप मूल गढ़त से हो और सूरत आए वकालत की, तो ये कैसे आप वकालत के पेशे में कैसे आए, तो थोड़ा दर्शकों को बताइए सर। नमस्कार मित्रों, वैसे मैं गणदेवी के पास साले करके गांव है, वहाँ मेरी नानी रहती थी, वहाँ से मैंने अभ्यास किया, पूरा किया। बाद में पिताजी थे उदवाड़ा के पास परिया हाई स्कूल, वहाँ 11 तक का अभ्यास करके नवसारी कॉलेज का मैं बीकॉम करके लॉ मैंने सूरत में किया। वो कंप्लीट करके मैंने वकालत स्टार्ट की। मेरे ससुर जी थे, बहुत बड़े वकील थे, बड़ा नाम था मगन भाई नायक, वो इंश्योरेंस कंपनी के पैनल लॉयर थे। इसके साथ व्यवसाय में आया, बाद में धीरे धीरे मोटर एक्सीडेंट केसों में अपना प्रैक्टिस चालू किया। प्रैक्टिस करके आज 40 साल से मैं यही काम करता हूँ, सूरत, नवसारी, भरूच, बलसार वगैरह कई जगह पे मैंने ये व्यवसाय का मैंने अपना काम किया है। तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केसेस जो होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या कमियाँ पाई जाती है, जो एक्सीडेंट करता है उसके पास लाइसेंस से लेके इंश्योरेंस से ले ये सब आरटीओ के हिसाब से सब होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है सर कि जैसे हम लोग नया व्हीकल लेते हैं ना, उसी टाइम तो इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन एक साल के बाद जब वो इंश्योरेंस ख़त्म होता है तो हम पॉलिसी ज़्यादा केसों में पॉलिसी रिन्यू नहीं करते। जैसे मैक्सिमम रिक्शा वालों की जो है रिक्शा के इंश्योरेंस नहीं, ज़्यादा केसों में ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शा वाले इंश्योरेंस रिन्यू ही नहीं करते। 50% से ऊपर केसों में इंश्योरेंस नहीं रहते। दूसरा देखो तो आप रिक्शा में ड्राइवर के आजू बाजू में दो पैसेंजर को बैठाते हैं, पीछे सीट पर 4-5, तो जो प्रोविज़न है आरटीओ का पैसेंजर का इसका भंग कर देते, इसकी वजह से जब एक्सीडेंट होता है तो कॉम्पेंसेशन मिलने में जो मर गए इसके फैमिली या इंजर्ड हो इसको बहुत तकलीफ रहती है, प्रॉब्लम। क्योंकि जब एक केसों में दो चीज़ जरूर है, एक तो चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए, दूसरा जो व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है इसका इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ तो मालिक की जिम्मेदारी आएगी और मालिक के पास पैसा रिकवर करने का बहुत तकलीफ की चीज़ है। अगर लाइसेंस नहीं होता है, हम कभी देखते हैं कि अपने छोटे बच्चों को भी हम बिना लाइसेंस स्कूल में जाते हैं तो 2-व्हीलर 4-व्हीलर दे देते हैं, तो जब ऐसा हादसा होता है तब ये सब प्रॉब्लम होता है। मरने वाला तो मर गया, इंजर्ड होगा, लेकिन इसके फैमिली को हम जो फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं वो ये केस में नहीं हो सकती है। तो मेरी एक राय है कि अपने बच्चों को जब आप व्हीकल दो 2-व्हीलर 4-व्हीलर तब इसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर बिना लाइसेंस चलाया और एक्सीडेंट हुआ तो सब पूरे पैसे भरने की जिम्मेदारी ये रहेगी मालिक की। इसका मैं एक ताज़ा दाखला दूँ तो 4-5 साल पहले वराछा रोड पे एक पिताजी ने अपनी नई कार खरीदी, कार की चाबी उसने अपने डाइनिंग टेबल पे रखी, उसका 12-14 साल का लड़का उसने वो चाबी ली और अपने 2-3 मोहल्ले के दोस्तों को दिखाने गया कि मेरे पिताजी ने नई गाड़ी है। गाड़ी गियर में थी, हैंड ब्रेक नहीं थी और गाड़ी स्टार्ट कर दी तो जंप मार के गाड़ी आगे जो एक एक्टिवा पे एक लेडीज आ रही थी इसको टक्कर लग गई, वो बेचारी मर गई। तो इसमें करीबन 35-40 लाख का जो अवार्ड हुआ वो उसके वो बच्चे के पिताजी को करना पड़ा। इंश्योरेंस तो था
लेकिन वो चलाने वाला लड़का इसके पास लाइसेंस था, तो सिर्फ इसकी वजह से ये पैसा इसको भरने की जिम्मेदारी कोर्ट ने ये गाड़ी के मालिक के ऊपर की। तो हम दूसरा ये देखते हैं कि हमारे पास एसटी बस के सब बड़े बीआरटी ऐसे, लेकिन मालूम नहीं ये शहर के लोग हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शा का यूज़ करना, रिक्शा में आगे दो ड्राइवर के साथ तीन, पीछे चार पाँच लोग ओवरलोडिंग करके बैठ जाते हैं। तो और रिक्शा में मैक्सिमम रिक्शा में बिना इंश्योरेंस बिना बैज और बिना लाइसेंस चलाते रहते हैं। ये सबसे बड़ी कठिनाई है कि जो युवा हैं और जो माता पिता है उनको भी ये सोचना चाहिए कि बिना लाइसेंस के अगर लाइसेंस ना हो अपने बच्चों के पास तो उनको गाड़ी चलाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा रिस्क हो जाता है। ना तो केवल लोगों के लिए रिस्क होता है लेकिन अपने आप के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क होता है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है, और ज़्यादातर मैंने युवाओं को देखा है कि जैसे मोटरसाइकिल पर भी चलते हैं तो बड़े रफ़ ड्राइविंग करते हैं, और मैं मानता हूँ कि डिवाइडर के साथ जितने भी एक्सीडेंट हुए ये रफ़ ड्राइविंग की वजह से ज़्यादातर होता है। इंश्योरेंस की बात करें सर, इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार में बताएं, क्योंकि लोग इतनी जल्दी इंश्योरेंस से दूर रहते हैं और इंश्योरेंस नहीं होने से आपने बताया कि क्या क्या तकलीफें आ सकती है, इसमें फुल इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। इसमें इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अपने व्हीकल से किसी पैदल चलते हुए रास्ते के आदमी को टक्कर लगी, इसको इंजरी हुई या एक्सपायर हो गया, तो इसके जो रिश्तेदार है इसके फैमिली मेंबर इसको कॉम्पेंसेशन मिलता है। लेकिन फुल इंश्योरेंस में हमारी गाड़ी को अगर कुछ डैमेज हुआ, हमारी गाड़ी अगर जल गई, हमारी गाड़ी किसी झाड़ के साथ टक्कर में नुकसान हुआ, फ्लड में या फायर में नुकसान हो गया, और किसी चोर ने इसे चोरी में निकल गई, तो अभी पूरा पैसा गाड़ी का जो वैल्यू है इसके हिसाब से पूरा पैसा हमको मिल जाता है फुल बीमा में, फुल इंश्योरेंस में। और थर्ड पार्टी में अपने व्हीकल से किसी को हुआ तो सिर्फ इतना ही मिलेगा, और थर्ड पार्टी में सिर्फ इतना ही मिलता है, मतलब जितना सामने वाले को नुकसान हुआ उतना इतना ही मिलता है। और फुल इंश्योरेंस में सर एक दूसरा बेनिफिट है कि पीछे जो बैठा आदमी है मोटरसाइकिल सपोज, तो मोटरसाइकिल पीछे हुए बैठे हुए आदमी को पिलियन राइडर, ज़्यादातर हमारे फैमिली मेंबर है पिलियन राइडर रहते हैं, अगर हमारा बेटा हमारी वाइफ हो वो ही लगे, अगर थर्ड पार्टी बीमा हो तो पिलियन राइडर का रिस्क कवर नहीं रहता था, तो कॉम्पेंसेशन मिलता ही नहीं। और फुल इंश्योरेंस में कार हमारी है और पीछे बैठा हुआ टू व्हीलर हो तो पीछे बैठे हुए मिलता, कार के जो इक्विपमेंट्स है चार पाँच जो भी बैठे ड्राइवर इसको भी कुछ हो गया तो पूरे पूरा पैसा इसकी उम्र इसकी सैलरी धंधा करता प्रोफेशन इसका नेचर ऑफ वर्क ये सब मेडिकल एक्सपेंसेस इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मैरिड है या अनमैरिड है ये सब कैलकुलेट करके कोर्ट कॉम्पेंसेशन देते हैं। जैसे आपने कहा कॉम्पनसेशन, थोड़ा सा और विस्तार में बताएंगे कि जैसे डेथ होता है या कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसमें क्या रवैया रहता है कोर्ट का, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ मांगती है जो चालक है उससे क्या क्या चीज़ मांगती है। अभी डेथ के केस में क्या है कि जो गुजर गया इसकी उम्र देखी जाती है, दूसरा इसकी इनकम क्या है, क्या कामकाज करता था, इसका वहाँ फ्यूचर इसका फ्यूचर कैसा था कि भाई इसको नौकरी में है तो प्रमोशन मिलेगा आगे बढ़ता जाएगा, डिपेंडेंट कितना है माँ बाप के, अलावा बेटी है बेटा कितने मेंबर है वाइफ है उसकी उम्र क्या है वो सब देखी जाती है। और इंजरी के केस में इसका मेडिकल एक्सपेंसेस कितना हुआ, कितने टाइम अस्पताल में रहना पड़ा, इसके अटेंडेंट खर्च क्या हुआ, एक्सीडेंट की वजह से इसकी अर्निंग कमाने की शक्ति अर्निंग कैपेसिटी पर क्या असर हुआ, जैसे कोई आर्टिस्ट हो इसकी एक उंगली कट गई तो बिना उंगली वो आर्टिस्ट ड्राइंग वर्क नहीं कर सकेगा, टाइपिस्ट हो तो टाइपिस्ट की उंगली निकल गई तो टाइप नहीं कर सकेगा, कोई कारपेंटर हो सुथार हो इसका हार्ट का डैमेज नुकसान हाथ में डिजेबिलिटी आ गई तो वो नहीं कर, तो नेचर ऑफ वर्क वो क्या काम करता था एक्सीडेंट के पहले और ये हादसे की वजह से इसकी काम करने की कैपेसिटी में क्या असर हुई वो सब देखी जाती है। जैसे मैंने एक देखा मनोज भिंगारी वो आपके स्कूल में जो सर्विस करता था, इसका एक्सीडेंट में नासिक के पास वणी के पास दोनों हाथ कट गए थे शोल्डर के ऊपर दोनों हाथ, तो उसी टाइम हमने क्लेम फाइल किया था नासिक कोर्ट में, क्योंकि उसी टाइम ज्यूरिसडिक्शन जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ वहाँ का ही था। बाद में
इसका केस हमने ट्रांसफ़र करवाया सूरत, क्योंकि इसकी पूरी ट्रीटमेंट सूरत में हुई थी, मेडिकल ट्रीटमेंट, सारवार करने वाले डॉक्टर सूरत के। वो जो लग्जरी बस में गए, इसका ड्राइवर मालिक इंश्योरेंस कंपनी सूरत की थी, तो उसको बार बार वहाँ नासिक जाने की वजह सूरत में आई। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया, क्योंकि एक राज्य से दूसरे स्टेट में लाने के लिए हमको उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र करवा के सूरत में आई, करीबन 18-19 लाख के आसपास उसका कॉम्पेंसेशन कोर्ट ने तय किया था, वो इसको मिल गया। और दूसरा क्या कि अभी कॉम्पेंसेशन जो देते हैं वो सब कैश नहीं देते, इसके नाम की फिक्स डिपॉजिट बनती है कोई भी नेशनलाइज बैंक में। इसका क्वार्टरली इसको 3-3 महीने से इंटरेस्ट मिलता है, 70% 80% तक FD हो जाती, 20% इसको खर्चा पाने के लिए देते। और माइनर लोग है, जैसे कोई आदमी गुजर गया है, इसका जो पैसा है इसमें माइनर बेटी बेटियाँ है वो जब तक 18 साल की नहीं होती तब तक बैंक में रहती है, इसका गार्डियन इसकी मदर रहती है, और इसका 3-3 महीने को क्वार्टरली इंटरेस्ट इन लोगों को मिलता है। पहले क्या था कि पूरा पैसा कैश दे देते थे, कई जगह ऐसा हुआ कि लोग पैसा घर जाके यूज़ कर देते। कभी जो विडो का केस है, विधवा, वो अपने घर जाके सास ससुर पैसा ले लेते थे। तो जो इसका इंटेंशन है कॉम्पेंसेशन देने का, क्योंकि जो आदमी चला गया वो तो नहीं ला सकेंगे हम, लेकिन वो जो कमाता था और घर में जो रोजी रोटी के लिए हमको घर में पैसा देता है, वो पैसा इसके इंटरेस्ट रेट चलता जाए इसके लिए वैसे ही पैसा दे। ये अच्छा प्रावधान है। थोड़ा सा और मैं पूछूँ तो, जैसे एक चालक हाईवे पे जा रहा है और सडनली उसकी गाड़ी में कुछ पंचर हो जाता है या आग लग जाती है, उसकी वजह से अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है डिवाइडर के साथ या किसी के साथ, तो उसमें क्या रवैया रहता है कोर्ट का? वो ट्रक का ड्राइवर जो हुआ ना, तो इसका इंश्योरेंस में जो ड्राइवर का रिस्क अगर कवर किया हो तो वो गाड़ी के मालिक ने, हम लेबर कोर्ट में इसकी कॉम्पेंसेशन की एप्लीकेशन करके इसके फैमिली वालों को हम कॉम्पेंसेशन दे सके। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर मालिक को देना पड़ेगा। सबसे पहली तो आपका जो व्हीकल है इसका पूरा डेट याद रख के 4-5 दिन पहले ही पॉलिसी रिन्यू करवाते जाओ, और कोई भी अगर अपना पहचान वाला पूछ लो कि भाई लाइसेंस है नहीं लाइसेंस, इसको अगर गलत लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी मत दो। एकदम सही बात है सर। आपने मनोज बिंगारे के बारे में बताया, तो ये अभी फिलहाल जो प्रावधान किए गए हैं, जो प्रोविजंस किए गए हैं ज्यूरिडिक्शन के बारे में, तो वो क्या प्रावधान है वो थोड़ा दर्शकों को बताइए। पहले ये क्या था कि जो जगह पे एक्सीडेंट था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हमको क्लेम पिटिशन दाखिल करनी पड़ती थी, लेकिन 24/11/94 से जो अमेंडमेंट हुआ इसके मुताबिक जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ क्लेम पिटिशन कर सकते हैं, दूसरा जहाँ वो मरना या इंजर्ड पर्सन जहाँ रहता है वहाँ कर सकता है, तीसरा वो जहाँ जॉब करता था वहाँ कर सकते हैं, और चौथा वो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी का ड्राइवर मालिक जहाँ के रहवासी है वहाँ भी कर सकते। 4 ऑप्शन मिला है हमको 4 में से, और सब पहले विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर हमको क्लेम पिटिशन फाइल करनी पड़ती है। अभी ये लिमिटेशन निकल गया, कभी भी हम दाखिल कर सकते हैं, ये प्रावधान है। ये तो बहुत ज़बरदस्त है कि ये जो लिमिटेशन से वो बैरियर सब क्लियर हो गए, तो जब भी जो क्लेमेंट है वो कहीं से भी अपना क्लेम कर सकता है। रास्ते में कई बार ऐसा मैंने देखा है कि चलती ट्रक को रोककर कई लोग लिफ्ट मांग लेते हैं और ट्रक में बैठ जाते हैं, और अनायास अगर कुछ उसका एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर क्या पोजीशन होती है? जो चालक तो अपनी जगह पर, लेकिन जो सवारी अंदर बैठी है जो ऐसे लिफ्ट लेके बैठी है, तो वो अगर उनको कुछ हो गया तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी का क्या रवैया रहता है? जैसे देखो तो ट्रक है ना, गुड्स व्हीकल है, माल सामान ले जाने का लाने का, इसमें ड्राइवर क्लीनर और 4 या 5 कुलीज इसका वो लीगली बैठ सकते हैं। ये 4 कुलीज और ड्राइवर क्लीनर का भी पॉलिसी में रिस्क होना चाहिए। हम जब रास्ते से कहीं हाथ लगा ऊँचा गया, चलो बैठ जाओ ट्रक में, और कुछ हादसा हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी एक भी पैसा नहीं खाए, क्योंकि ट्रक है वो माल सामान ले जाने के लिए है, कार है, रिक्शा है, 2-व्हीलर है, वो ST बस है वो पैसेंजर इसमें हम बैठ सकते हैं, गुड्स व्हीकल में हम बैठ सकते हैं नहीं। इसमें कुछ हुआ अनफॉर्चुनेटली तो एक भी पैसा मिलेगा नहीं, वो गाड़ी का जो ओनर है इसको देना पड़ेगा, और वो ले रिकवर करने का बहुत तकलीफ का काम है। इंश्योरेंस कंपनी जब तक लायबल है तब इंश्योरेंस कंपनी
पैसा भर देते हैं, पार्टी को मिल जाता है। और हम ऐसे सोचते हैं कि हर एक गाड़ी के ओनर इंश्योरेंस लो। हम नहीं ऐसे चाहते कि हमारी गाड़ी से कुछ हो जाए। अगर कुछ हुआ, हो गया, लेकिन जो इफेक्टिव पार्टी है इसको फाइनेंशियली हम मदद कर सकते हैं, इसकी सुविधा अच्छी रहेगी। दूसरा है कि फैटल केसेस जिसमें कुछ आदमी कोई भी गुजर गया, इसमें इंट्रीम कॉम्पेंसेशन नो फॉल्ट लाइफ इसमें 50,000 फिक्स किया है कि भाई पहले 50,000 दे देने का। और इंजर्ड पर्सन है, इसके साथ इंजरी के साथ उसकी कोई डिजेबिलिटी हुई, डिजेबिलिटी कितनी परसेंटेज है, 5% 10% ऐसे नहीं, लेकिन डिजेबिलिटी हुई तो इसको 25,000 पहले इंट्रीम फिलिप में देने का ये प्रावधान भी आया है। सर, डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया और कनुभाई टेलर से आप बड़े ही परिचित हो, तो वो जो संस्था चला रहे हैं और निशुल्क सेवा देते हैं दिव्यांगों को, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आपके और से कुछ प्रतिभाव उस संस्था के बारे में, कनुभाई के बारे में। जब ये इधर शुरू हुई, इसके पहले शायद उधना में थी ये संस्था, तब मैंने हमारे एक मित्र थे चंपक भाई चौहान, वो मुझे ले गए थे इसके साथ दो तीन बार वहाँ मैंने भी देखा। तब भी सोचा था कि ये बच्चे कैसे ये ऐसा वातावरण में पढ़ते होंगे, लेकिन कनु भाई को मैं एक ईश्वरीय अवतार मानता हूँ कि ईश्वर ने ये काम के लिए इसको पृथ्वी पे भेजा है। और जो जैसे बाद में तो ये ऐसी बन गई है हमारी स्कूल, इसमें दिव्यांग बच्चों को जो मदद मिलती है, इसको जो ट्यूशन के लिए इसको अभ्यास के पीछे जो मन लगा के आप लोग काम करते हैं, ऐसा दूसरा मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने तो ऐसा भी सुना कि बच्चे लोग जब वैकेशन छुट्टियां पड़ती है तो गांव जाने के लिए भी नाम बोलते हैं, और वहां से जल्दी आने के, हमको गांव नहीं जाने के, इधर ही रहने का। तो ये जो काम मानव सेवा का किया ने, बहुत कम जगह ऐसा मिलेगा। और हम ऐसे इच्छा है कि प्रभु कनु भाई और आप सबको ऐसी दिव्य शक्ति है कि ऐसे लोगों को आप मदद कर सको। दूसरा तो कुछ नहीं, हम मदद कर सकते हैं, इसको ऐसा हुनर आप लोगों को सिखवा। तो मैंने देखा कि आपकी स्कूल में से पढ़ी हुई दो तीन लड़कियां तो डॉक्टर भी हो गई, ऐसा मैंने देखा था। दो तीन साल पहले वो लड़की आई भी थी। और इसके साथ आपके यहाँ जो भक्तिमय वातावरण है, जैसे साई बाबा की मूर्ति का प्रतिष्ठान हुआ था, तो बाबा ने इसमें, मैं और मेरी वाइफ आई थी, हमारे हाथों से ही हुआ था। नियमित पूजा पाठ भजन होता है, एक दिव्य संस्कार भी मिलता है। वो लोग अपनी जो डिजेबिलिटी है, खोल खाप है, वो भूल जाते हैं। और एक इसको हो सके इतना मानव जीवन के राह पर दिख सके, इसके लिए तो जितना धन्यवाद हम आपको दे इतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दर्शकों, हमारे साथ अनिल जी जो हैं वो मानवतावादी हैं, वकालत तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा शिरडी के साईं के बड़े ही भक्त हैं और बड़ी आस्था है उनकी। तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को ये जो आपकी आस्था है उसके विषय में थोड़ा सा कुछ ज्ञान दें। मैं अपने जीवन में अभी 2 साल पहले एक किस्सा हुआ था, वो कभी भी नहीं भूल सकता। तो मुझे जाना था सूरत से दमन कोर्ट में केस चलाने के लिए। वो केस की जो पार्टी थी, जो क्लेमेंट था, वो दुबई रहता था, तो केस की सुनवाई के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए आया था बलसार। फिर सुनवाई के दिन रात को प्लेन में वापस दुबई चला जाना वाला था। तो अगले दिन रविवार के दिन मैंने अपने स्टाफ को बताया कि भाई ये फाइल वहाँ ले जाने के रेडी कर दो, बैग में रख दो, गाड़ी में रख दो, और हमको सुबह निकलने का है। सुबह जब मेरा असिस्टेंट आया, मैंने पूछा कि भाई बराबर है ना, फाइल बराबर ली है ना, क्योंकि वो आदमी जो आने वाला है वो दुबई से आया है और वापस शाम को चला जाने वाला है। वो बोला नहीं सर, बराबर है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप मेरे ऊपर क्यों शंका करते हो। फिर हम निकले, सरदार ब्रिज जैसे क्रॉस किया और महावीर हॉस्पिटल आई, तो मेरी दिमाग जो फटने लगा कि इतना दिमाग में जो हुआ कभी भी मेरे हुआ नहीं था, तो क्या है। तो मैंने बोला ड्राइवर को, भाई गाड़ी साइड पे ले लो। गाड़ी रुकी, आशीष ने बोला डीकी से वो फाइल निकाल, मुझे बता। वो बोला कि मेरे ऊपर क्यों शक करते हो, मैं इतने साल से आपके यहाँ काम करता हूँ, वही फाइल है, नहीं निकालो, निकालेगा। तो वो जो दमन केस का कोर्ट का फाइल थी वो टेबल पे ऑफिस में रह गई थी, इसकी जगह वही कलर की दूसरी फाइल ले आया। वापस हम लोग आए, ऑफिस खोली, नई फाइल ली, जो
जो केस की जरूरत आई फाइल, कोर्ट में गए दमन, केस कंप्लीट हुआ, दो दिन में जजमेंट भी आ गया। अगर जो ये बाबा की प्रेरणा से हुआ था, अगर ये इंटीमेशन नहीं मिलता तो मैं दमन कोर्ट जाता, वापस चला आता, दमन से सूरत आके फाइल लेने का वक्त नहीं मिलता। और वो जो आदमी खर्चा करके दमन से दुबई से आया था, इसके काम भी नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लगता है बहुत गलत हो गया, लेकिन ये मैं भूल नहीं सकता। मेरा बहुत बढ़िया सर। दर्शकों, आपने देखा कि जब किसी की आस्था होती है किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी भगवान के ऊपर, तो वो कायनात आपको कहीं ना कहीं कोई संदेश भेजता है और आपको आने वाली कोई मुसीबत से आपको बचा लेता है। तो अंत में एक संदेश चाहूँगा आपसे कि क्योंकि आप वकालत करते हो मोटर व्हीकल और एक्सीडेंट केस के लिए, तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए युवाओं को, और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आम आदमी को कि एक्सीडेंट ना हो, पहले तो रफ ड्राइविंग ना करे, ये थोड़ी सी उनको संदेश दीजिए कि क्या क्या सावधानियाँ उनको बरतनी चाहिए। हमारे युवाओं को देखो, आप अखबार में हर रोज पढ़ते हो ना, तो मोटरसाइकिल स्ट्रिप हो गई, डिवाइडर के साथ टक्कर लग गई, तो ये केस में जो चलाने वाला मरने वाला करीबन देखो 20 से 25 साल की उम्र का है, तो नौजवान लोग है, लड़के लड़के इतने बेफाम चलाते हैं गाड़ी, और ट्रैफिक का नियमों का कोई भंग इतना भंग करते हैं, ट्रैफिक का नियमों का पालन नहीं किया, इसी वजह से जो भगवान ने हमको मनुष्य की जिंदगी दी है अननेसेसरी 20-25 साल में गवा देते हैं। माँ बाप ने बेटे को कमाने लायक बनाया, वो गुजर गया, इसके ऊपर हादसा होते, अगर शादीशुदा हो तो इसके फैमिली को छोड़ के चला गया और डिजेबल बन रह गया, तो अभी पूरी जिंदगी अफाही जिंदगी करनी पड़ा। तो बार बार मेरी एक विनती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करो, रात हो ऐसा नहीं कि ट्रैफिक पुलिस नहीं हो तो चलो भगा दो, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नियम भंग करके हम क्या करें, 5 मिनट 10 मिनट अपना डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुँचते, इसके अलावा क्या। एक खास राय है कि इतनी सुविधा है, रास्ते अच्छे, बिना पुलिस भी ट्रैफिक का नियमों का पालन करो, और अपनी जो मनुष्य जीवन है, अपनी जिंदगी, आपकी और दूसरे की भी, कृपा करके बचाओ, ऐसी मेरी विनती। तो धन्यवाद करता हूँ एडवोकेट अनिल नायक का। तो दर्शकों, लीगल फोरम का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और दोबारा उपस्थित होंगे एक विशेष एडवोकेट के साथ लीगल फोरम के अगले कार्यक्रम में। तब तक इजाज़त।